अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन MBT। आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है और आप लोग भी सुनकर ये ख़बर बहुत खुश होंगे। मैं कई दिन से कोशिश कर रहा था सैयद सिराजुद्दीन और निखत जहाँ को हज को जाने के लिए हम कोशिश कर रहे थे। अल्लाह के फजल से इनका हज को जाना तय हो चुका है और ये लोग जो है 9 जून 2024 के दिन हज के लिए रवाना होंगे। एक्चुअली हमारे सैयद सिराजुद्दीन और निखत जहाँ ये लोग डबिलपुरे के साकिन हैं। सैयद सिराजुद्दीन साहब सैदाबाद पे पान के डब्बे पे काम करते हैं और ये बेचारे लाओलाद कपूल हैं, इनको औलाद नहीं है। पिछले 10 साल से ये लोगों की ख्वाहिश थी कि हज को जाना बोलकर। कई मरतबा ऐसा हो रहा था कि पैसों का इंतज़ाम हुआ तो हज ड्रा में नहीं आ रहे था नाम, लेकिन अल्लाह के फजल से इस मरतबा ये लोग हज कमेटी में तेलंगाना हज कमेटी के द्वारा एप्लीकेशन डाले थे और दोनों का नाम आ गया। आने के बाद में इनको 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे बनना था, जुमला 7 लाख कुछ चिल्लर पैसे हो रहे थे दोनों के हज को जाने के। तो 1,60,800 रुपये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 3,50,800 रुपये सेकेंड इंस्टॉलमेंट, 2 लाख रुपये थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो ये बेचारे जाके 1,60,000 रुपये बन दिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट बनने की जब बात आई तो ये एक जगह कहीं चिट्ठी डाले थे, वो पैसे लेके भाग गया उन्हें। ना सिर्फ इनको डुबा दिया, इनके साथ कई लोग उसमें डूब गए। ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं बन सके बेचारे, तो इनका जो है हज कमेटी में से जो अप्रूव लिस्ट में से इनका नाम निकाल दिया गया। तो कोई मेरे पास लेकर आए थे बेचारे, आकर ये बोले जो पैसे लेके भाग गया चिट्ठी के वो पैसे दिलाइए और ये जो 1,60,000 हम हज कमेटी को बने वो वापस दिलाइए हमारे पैसे। तो मैं ऐसी एकदम ख्याल आया मेरे को, बैठे बैठे मैं पूछा कि क्या आप लोग अगर इंतज़ाम हो गया तो हज को जाते क्या। तो एकदम से बेचारे खुशी का इजहार किए। मैं उसी वक्त तो वहाँ पर बैठ के हमारे जो तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन हैं सैयद शाह अफजल बियाबानी उर्फ खुसरो पाशा, तो उनको मैं कॉल किया। वो बिल्कुल 1 या 2 मिनट में मुझे उनके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत हुसैन साहब से कनेक्ट किए और उन्होंने ये बोले कि हम लोग कोशिश करेंगे दोबारा इनके बारे में लेटर लिख के सेंट्रल हज कमेटी को हम भेजेंगे। सेकेंड डे आप गए बेचारे हमारे इरफान साहब हज कमेटी के जो वहाँ पर, और हमारे लियाकत हुसैन साहब जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना हज कमेटी है, इमीडिएट लेटर लिख के सेंट्रल हज कमेटी को भेजे। तो यहाँ पर 2 मुद्दे थे, एक तो पैसों का इंतज़ाम करना था, तकरीबन 3-4 लाख रुपए के करीब में इंतज़ाम करना था, 4-4.5 लाख रुपए में इंतज़ाम करना था, और दूसरी जानिब इनका अप्रूवल लाना था। तो हम अपील किए, अल्लाह के फजल से 3-4 दिन में पूरा मुकम्मल इनका टारगेट रीच हो गया, पैसे जमा हो गए। तो पहले तो जो साहिब खैर इनकी मदद किए, जो इनके अकाउंट में रकम डाले, मैं उन तमाम का शुक्र अदा करता हूँ कि इनको जाने के लिए हज के लिए जो भी मदद किए। दूसरा ये हुआ कि यहाँ से कई लेटर्स लिखने के बावजूद सेंट्रल हज कमेटी में इनका काम बन रहा ही नहीं था। ये मुंबई से भिजाने की कोशिश करे, फिर कहीं दूसरे स्टेट से, तो अप्रूवल आ रहा ही नहीं। ये लोग बेचारे नाउम्मीद हो गए और अब हम ये सोच रहे थे कि भाई जो पैसे जमा हुए उसका क्या करना चाहिए। तो लेकिन मुझे ये यकीन था कि इनका कैसा भी, क्योंकि अल्लाह ताला अगर इनका बुलावा लिखा है तो ये किसी भी हालत में जाते। कल जो है हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत हुसैन साहब इनको बुला के बोले कि आपका अप्रूवल आ चुका है, आपको जो है 9 जून के दिन चेन्नई से जाएंगे। एक दिन पहले यानी मैं समझता हूँ 7 जून के दिन, आज टीके वगैरह भी ले के आ गए बेचारे, 7 जून के दिन हज हाउस को यहाँ पर सामान जमा करा के यहाँ पर बैठेंगे। यहाँ से 2 बस इनके साथ और दूसरे लोगों का भी अप्रूवल हुआ, यहाँ से ये लोग चेन्नई जाएंगे, चेन्नई से एयरपोर्ट से तमिलनाडु के कोठे में ये लोग हज कर रहे हैं। तो देखिए इनका बुलावा था, पूरे मुश्किल होने के बावजूद ये हुआ। तो मैं अल्लाह से, अल्लाह के दरबार में शुक्रगुजार हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, एक ऐसा कपल जिसको औलाद नहीं है, हम उनके भाई उनके बेटे बन के उनका सहारा बन के उनको हज को भेजने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो वो खैर कई बहस हुए इसके अंदर कि नहीं साहिब इस्तेलाल है तो ही जाना, नहीं तो नहीं जाना,
कई को ज़बरदस्ती से जा रही। अब ये सब बहस मैं नहीं किया, मुझे एक ऐसा हुआ कि इनको अल्लाह की तरफ से बुलावा आया है और ये जा रहे हैं। हर चीज़ का इंतज़ाम हो गया, पैसों का इंतज़ाम हो गया, इनका जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ अप्रूवल हो गया। तो मैं फिर से दोबारा अल्लाह के दरबार में शुक्रगुजार हूँ और जो भी साहिब खैर इनकी मदद किए। तो कल ये जाके जो रिमेनिंग अमाउंट है 5,75,000 ये पूरे बन दे के आ गए हैं। एक छोटा सर का मुद्दा है कि वहाँ पर जाने के बाद में अखराजात के लिए इनके पैसे कुछ कम पड़ रहे। मैं इनका अकाउंट नंबर आप लोगों को दूंगा और इनके पास पुराना टूटा फ़ोन है, बेचारों का ने फ़ोन भी सही नहीं है। तो वहाँ पर जो है स्लॉट बुकिंग के लिए इनको एक स्मार्टफोन ख़रीदना है। अगर कोई साहिब खैर इनको एक स्मार्टफोन दिला दिए तो भी मेहरबानी। और क्योंकि दोनों के पास दो फ़ोन रहना पड़ता वहाँ पर बुकिंग कराने के लिए और सब देखने के लिए। और जो भी है बहरहाल बड़ी खुशी का दिन है मेरे लिए कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि हालिया मेरे को जो एक्सीडेंट हुआ, मेरी सर्जरी होने के बाद में जब बाहर निकाले मेरे को तो तकरीबन 2-2.5 घंटे की सर्जरी के बाद में मैं आँख खोला तो ये दोनों जने सामने ठहरे हुए थे मेरे। ये दो जने और एक वो बाजार घाट की कोई लड़की की शादी की मैं अपील डाला था। तो मैं जैसा ही आँख खोला मैं हमारे एडमिन और पीआरओ से ये पूछा कि क्या हुआ ये लोगों के केस का, तो बोले पैसों का इंतज़ाम हो गया और लड़की की शादी का भी इंतज़ाम चल रहा है। कोई शिकागो के एक साहिब खैर फ़ोन किए कि मैं पूरा खाने का इंतज़ाम कर दे रहा हूँ, ठहर के फर्नीचर का भी कर रहा हूँ उनका, जो भी है बहरहाल उनके भी पैसे आ गए, इनके भी पैसे आ गए। इमीडिएट मैं हमारे आदमी को बोला, एडमिन को बोला कि आप जो है पीओ से बात करिए। उन्होंने बोले इंशाल्लाह अप्रूवल आ जाएंगे, 100% हम भिजा देंगे। तो मुझे मेरी सर्जरी की उतनी फिक्र नहीं थी, चिचा हज को जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं वो फिक्र थी। आँख खोला बिल्कुल आईसीयू में। तो आपका कब मुलाकात हुई चिचा आपकी हमारी? जी इलेक्शन के दूसरे दिन। नहीं नहीं, ये जो मेरी ऑपरेशन के बाद में कहाँ पर मुलाकात हुई? अंदर बुलाया इनको, ऑपरेशन थिएटर में बुलाने लगाया मैं। जी तो बड़ी तड़प थी मेरे को कि ये लोग हज को जाए। बोलिए आप शुक्रिया अदा करिए। जो लोग मेरे को हेल्प करे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, हमारे लियाकत हुसैन साहब का, लियाकत साहब को भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहनत करे उन्होंने। इरफान साहब को भी बहुत बहुत शुक्रिया और एक अब्दुल बियाबानी साहब को भी, खुसरो पाशा साहब को भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कई जमाने के बाद में तेलंगाना हज कमेटी में एक हमदर्द चेयरमैन आया वैसा दिखा मेरे को। बेचारे इतनी मेहनत कर रही, डे एंड नाइट हाजियों के लिए बहुत मेहनत कर रही। तो ऐसे दीनी आदमियों को ऐसे पोस्ट पे लाए, हज कमेटी पे, वक्फ बोर्ड पे। तो मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ अच्छा काम बनता। मैं दिल की गहराइयों से इतनी खुशी हो रही, आप यकीन नहीं मानी आज मेरे को, कि अल्लाह ताला ये लोगों को हज को भेज रहा है। इंशाल्लाह जाइए। जो खाने के खर्चे के अखराजात है कि करीब करीब 50-60 हज़ार रुपये आएंगा इन लोगों को। तो अब ये जो पैसे लिए हज कमेटी वाले, आप लोगों का खाने के अखराजात नहीं है उसमें? खाने के नहीं, तो आप इंतज़ाम कर लेना। खाने का अपन कर लेना है। अच्छा, तो करीब करीब ये दोनों का, क्योंकि पूरे 45 डेज रहेंगे ये लोग। जी तो खैर अल्लाह के भरोसे जा रहे हैं, कोई ना कोई इंतज़ाम करेंगा इनका। मैं वहाँ पर सऊदी में जाने के बाद में भी नंबर दूंगा आपका। अब यहाँ का नंबर क्या है मैं आपका गूगल पे नंबर? ओ ये क्या है बोलिए, बेचारों को नंबर भी याद से रहता है। तो बहरहाल बहुत 91, एक मिनट बोलो मेरे को, 916 हाँ 0 हाँ 72 हाँ 02 73, ये है ना पक्का? हाँ, पक्का वही है। तो बहरहाल इनका गूगल पे नंबर है और इनका व्हाट्सअप भी वहाँ पर चालू रहेगा। तो दो मुद्दे हैं इनके, एक इनको एक अच्छा स्मार्टफोन होना ताकि वहाँ पर जो कुछ बुकिंग कराना पड़ता हरम में जाने के लिए वगैरह। तो और एक है कि इनका गूगल, खाने के इंतजाम होने का है वो अल्लाह करा दे इनका। इनका गूगल पे नंबर है 9160720273, इनका नंबर है। फिर से मैं, बहुत ही खुशी की खबर है, अल्लाह ताला जो भी लोग इनकी मदद करे, क्योंकि एकदम बड़ी रकम थी, करीब करीब हमारे को 4-4.5 लाख रुपए जमा करना था, टाइम की कमी थी और आपके पैरवी करना था। यहाँ से पैरवी गई मुंबई, फिर वहाँ से रिजेक्ट होके आई, फिर हम दिल्ली भेजे पैरवी, वहाँ से भी रिजेक्ट होके आई, फिर वो तमिलनाडु के कोठे में कुछ लोग जो सेलेक्शन हुए वो लोग हज को नहीं गए, इनका वहाँ पर सेलेक्शन हो गया। कल दिल की गहराइयों से मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला इस गुनाहगार बंदे से ये काम ले लिया कि अल्लाह के घर के दीदार कराने के लिए।
एक ऐसा जोड़ा जो लाओलाद है, जिसको औलाद नहीं है, उनके लिए हमारी खिदमत के लिए ठहरा दिया। और देखिए आप, शहर में करोड़पति लोग हैं, सौ सौ करोड़ हज़ार हज़ार करोड़ के मालिक है, लेकिन अल्लाह ताला उन गरीबों को जो पैसे दिए इनको, एक रुपया, दस रुपये, पचास रुपये, सौ रुपये, ऐसा भी डाले लो तो इनकी मदद पहुंच गई। दोबारा मैं शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया यार, जिंदा सौबत बा।